देखिए यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में जो ITI का फॉर्म डाला है सेकेंड फेज में, उसका यहाँ पे आपका छठवा मेरिट लिस्ट आपका जारी हो गया। तो आपको कैसे चेक करना है तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डालकर फिर कैप्चा फिल कर लेना है। लॉगिन करके यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं माई अलॉटमेंट में आप क्लिक करके अपना यहाँ पे छठवा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उनका यहाँ पे आपका सिक्स्थ लिस्ट में नाम आया होगा। तो मैसेज के द्वारा आपको यहाँ पे अपना पता चल गया होगा, मैसेज भी आ गया होगा आपको कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ करके। और यहाँ पे पोर्टल में आप लॉगिन करके भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माई अलॉटमेंट में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए सिक्स्थ लिस्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेरिट लिस्ट सिक्स। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको छठवा लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड करके यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में दिखाई देगा, अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपका रेड कलर में इस प्रकार से नॉट सेलेक्टेड दिखाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको कॉलेज का डिटेल भी देखने को मिल जाएगा। तो आपका सिलेक्शन अगर हुआ होगा तो कमेंट कर देंगे आप नीचे में कि आपका यहाँ पे कितना परसेंट में आपका नाम आया है यहाँ पे, जिससे आपका आगे आने वाले लिस्ट में बाकी लोगों को भी आइडिया मिल सके कि आपका कितना परसेंट यहाँ पे कटअप जा रहा है। और इसको लॉगिन करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।